हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरसी इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी है। बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं आया था, सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा काम में बिजी थी। अभी कंटिन्यू वीडियो आएंगे और आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ऐसे ही अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें। तो सबसे पहले हम आते हैं सोडियम प्रोफाइलिंग। व्हाट इज़ द सोडियम प्रोफाइलिंग? सोडियम प्रोफाइलिंग अकॉर्डिंग टू माई डेफिनेशन एक वो प्रोसीजर है जिसमें डायलिसिस और डायलिसिस फ्लूइड का जो सोडियम है वो क्या रहता है कि जनरली हम लोग डायलिसिस जब करते हैं तो एक जो भी हमारे डायलिसेट फ्लूइड की कंसंट्रेशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम मशीन को सेट कर देते हैं और डायलिसिस चलने देते हैं। लेकिन अगर हमें सोडियम प्रोफाइलिंग करना है तो हमें इसके लिए क्या करना होता है कि हमें कांस्टेंट टाइमिंग पे, कांस्टेंट ड्यूरेशन पे और कांस्टेंट वॉल्यूम को निकालने के लिए एक प्रोफाइल करना होता है जिससे कि पेशेंट को तकलीफ ना हो। ये जो प्रोसीजर है ये क्या कहलाता है? हमारा सोडियम प्रोफाइलिंग। इसको प्रॉपर तरीके से हम आगे समझेंगे क्योंकि अभी शायद आपको ना समझ में आ रहा हो। हाई सोडियम डायलेजेट इज़ यूज्ड टू मेंटेन इंट्रा, इसमें हम लोग हाई सोडियम डायलेजेट यूज़ करते हैं इंट्रावास्कुलर। इंट्रावास्कुलर मीन्स वास्कुलर सिस्टम के अंदर के वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए। साथ में ये फॉलो करता है लो सोडियम डायलेजेट टू काउंटरैक्ट ऑफ एक्सेस सोडियम गेन के लिए। एम क्या है सोडियम प्रोफाइलिंग का? मेन एम ऑफ दिस सोडियम प्रोफाइलिंग इज टू अवॉइड ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम बाय कीपिंग प्लाज्मा ऑस्मोलिटी इन द फिजियोलॉजिकल रेंज और मिनिमाइज एक्यूट डिक्लाइन इन इंट्राडायलेटिक प्लाज्मा ऑस्मोलिटी एंड जो कि एसोशिएटेड होती है सिम्टम्स लाइक डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। सो मेन एम सबसे पहले है इसका कि प्लाज्मा फेरेसिस के द्वारा हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं ऑस्मोटिक डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम को, जिससे कि हमारी जो प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी है उसकी जो फिजियोलॉजिकल रेंज है वो क्या रहती है? सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। मीन्स हमारी जो प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी है वो सेम रहेगी, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम को भी प्रिवेंट कर पाएंगे पेशेंट में। साथ में प्लाज्मा रिफिलिंग जो है इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और अवॉइड करता है प्रॉब्लम एसोशिएटेड विद द रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन एंड इंट्राडायलेटिक हाइपोटेंशन। सोडियम प्रोफाइलिंग के द्वारा अगर नॉर्मल हम किसी पेशेंट का एक रिकमेंडेशन है कि आपको 1 घंटे के अंदर अंदर डायलिसिस पेशेंट से ओनली और ओनली 800 ml तक ही यूएफ को हम रिमूव कर सकते हैं, बट सोडियम प्रोफाइलिंग के द्वारा हम उस तरीके से प्रोफाइल को सेट करते हैं एक लिमिट टाइम में, एक लिमिट वॉल्यूम के साथ में, कि हम पेशेंट को क्या करेंगे कि ज़्यादा भी अगर उसमें हम लोग लगाते हैं पानी तो भी हम पेशेंट को हाइपोटेंशन वाली प्रॉब्लम से बचा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम सोडियम इंटेक जो है डायलेजेट फ्लूइड का वो थोड़ा इंक्रीज़ करके रखेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होता है, मशीन में सेटिंग करनी होती है। मशीन में एक हर मशीन का अपना अपना सेटिंग होता है कि किसी मशीन में 135 दे रखा है सेटिंग में, किसी में कुछ दे रखा है। तो इसी सेटिंग में हम थोड़ा सा सेटिंग क्या कर देते हैं, सोडियम की जो रेंज है वो क्या करेंगे मशीन में थोड़ा सा इंक्रीज़ करके लगा देते हैं, ठीक है। और उस इंक्रीजिंग वाले पॉइंट को हम प्रोफाइल में चलाते हैं। जो भी हम सोडियम प्रोफाइलिंग में सोडियम को इंक्रीज़ करके लगाएंगे उसको जो रेंज है, जो सोडियम की रेंज हमने इंक्रीज़ करके लगाई है उसको हम फिर प्रोफाइल में चलाते हैं एक निश्चित टाइम के लिए, एक निश्चित वॉल्यूम पे, ठीक है। जैसे कि अभी हमें 4 घंटे में अगर हम किसी का 6 लीटर निकालेंगे तो उसको प्रॉब्लम होगी नॉर्मल डायलिसिस में। इसी में हम क्या करेंगे कि स्टार्टिंग के आवर्स में 3 लीटर पानी हम सोडियम प्रोफाइलिंग के द्वारा लगा देंगे, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग के 2 आवर या 1.5 आवर लेंगे, जिसमें सोडियम की अमाउंट थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे। साथ में लिमिट टाइम रखेंगे कि हमें ये पानी 1.5 घंटे में निकालना है या 2 घंटे में। तो जो पानी हम 4 घंटे में निकाल रहे थे वहाँ पे हम उसके आधे से ज़्यादा पानी हम 1.5-2 घंटे में ही निकाल देंगे, ठीक है। इसके अलावा और इससे क्या होता है, क्योंकि सोडियम इंक्रीज़ होता है तो एक तो प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी भी बढ़ी रहती है और पेशेंट को हम हाइपोटेंशन में जाने में से बचा सकते हैं। तो प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी भी हमारी मेंटेन हो गई और हाइपोटेंशन में जाने के ड्यूरिंग डायलिसिस जो चांसेस होते हैं पेशेंट के वो भी कम हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, इसके द्वारा हम शिफ्ट वाटर फ्रॉम इंट्रा सेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट वेयर दिस एडेड वाटर सपोर्ट सर्कुलेशन। ऑल्सो क्या एम है इसका? टू रिड्यूस इंसिडेंट ऑफ मसल क्रैम्प। ये विद द हेल्प ऑफ सोडियम प्रोफाइलिंग हम लोग जो मसल क्रैम्प्स का जो इंसिडेंट है उन पे भी काफ़ी हद तक कंट्रोल पाते हैं। रिड्यूस इम्प्रूव सोडियम रिमूवल एंड वास्कुलर स्टेबिलिटी, जो कि ऊपर बात कही गई है। फ्लूइड कंपार्टमेंट इन द बॉडी, देखिए इसमें क्या होता है? एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस एट सेल मेम्ब्रेन। एटीपी रिक्वायरिंग केयरिंग सिस्टम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ कंसनट्रेशन ग्रेडियंट फॉर सोडियम एंड पोटेशियम बिटवीन द इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस। द सेल मेम्ब्रेन इज फ्रीली परमिएबल टू वाटर बट नियरली इम्परमेबल टू सोडियम एंड इज अबाउट 100 times मोर परमेबल टू पोटेशियम। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट हमारा बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे साथ में क्या हो रहा है? सबसे पहले जो फ्लूइड कंपार्टमेंट्स हैं बॉडी के, इसमें क्या चल रहा है? एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसीजर चलता है सेल मेम्ब्रेन के साथ में। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसीजर में जो हमारी जो मेम्ब्रेन यूज़ होती है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन यूज़ होगी, मानिए ये सेल मेम्ब्रेन है, तो ये सेल मेम्ब्रेन पोटेशियम के लिए पूरी तरीके से परमिएबल होगी, मतलब पोटेशियम को जाने देगी, वाटर को जाने देगी। इसी के एवज में ये सोडियम को इधर से उधर इम्परमेबल होगी, मतलब सोडियम के आने जाने में प्रॉब्लम करेगी या नहीं जाने देगी, ठीक है। देन ये क्या कह रहा है? यूरिया पैरामीटर्स, यूरिया परमेट सेल्स मेम्ब्रेन वेरी इजिली सो द यूरिया लेवल आर इक्वल इन द इंट्रा मीन्स की क्या बोलेंगे इसको, इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस एंड कैन रेपिडली डिक्रीज इन बोथ कंपार्टमेंट ड्यूरिंग डायलिसिस। ऐसे यूरिया के लिए भी ये क्या रहता है? परमिएबल रहता है, आराम से इधर से उधर जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, ये क्या है? इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है और ये क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। तो जब सोडियम प्रोफाइलिंग होती है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे पोटेशियम का कितना है? 55 है। यहाँ पर एटीपी एडीपी सारे दे रखे हैं और यहाँ पर सोडियम है, सोडियम दे रखा है। तो जनरली क्या किया जाता है, अगर हम इस डायग्राम के इसमें इतना ना समझ में आए कि अगर 140 हमारा इधर कंपार्टमेंट में है सोडियम, तो यहाँ पर भी 140 ही होगा, ठीक है। ऐसे ही पोटेशियम का अमाउंट अगर इधर है तो इधर भी उतना ही करना होगा। तो मीन्स क्या है कि हम लोग बराबर रखते हैं, चाहे इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट हो चाहे एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट हो, तो बोथ जो कंपार्टमेंट है यहाँ पर इक्वल अमाउंट में होते हैं, जिससे कि जो प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी है वो भी बनी रहती है। तो यहाँ पर ये जो दिखा रहा है, इसमें क्या दिखा रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बिटवीन द एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट इन परसेंटेज ऑफ द टोटल बॉडी वाटर। तो मेनली यहाँ पर ये जो पिक्चर है वो आपको क्या दिखा रही है? वाटर का, ऑल्सो अदर जो हमारे सोडियम पोटेशियम है उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन को ये थोड़ा थोड़ा शो कर रही है। नाउ कम टू द डायलिसिस सॉल्यूशन कंसंट्रेशन। अगर हम डायलिसेट लेते हैं, मींस डायलिसिस फ्लूइड लेते हैं, तो उसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहेगा? सोडियम रहेगा 135 टू 145, पोटेशियम 0 टू 4, कैल्शियम 2.5 टू 3.5, क्लोराइड 98 टू 124 mg एंड मैग्नीशियम आपका 0.5 टू 0.75, बाइकार्बोनेट 30 टू 40, एसीटेट 2 टू 4, डेक्सट्रोज 11, PCO2 40 to 110 एंड pH जो रहता है डायलिसिस फ्लूइड का 7.1 to 7.3। ये और कुछ भी थोड़े से दे रखे हैं, तो आप चाहें तो इसके भी ये देख सकते हैं कि हमारे ब्लड में कितना सोडियम है, हमारे डायलिसिट में कितना है, कितना हमारे पोटेशियम हमारे ब्लड में है, कितना हमारे डायलिसिट में। इस डायग्राम के आधार पर ही जब हम ये सोडियम प्रोफाइलिंग करते हैं, इस कंसंट्रेशन के आधार पर ही हम प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी को मेंटेन कर पाते हैं, ठीक है। तो सोडियम प्रोफाइलिंग के द्वारा हम प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करते हैं और उसी के थ्रू हम हाइपोटेंशन एंड अदर चीज़ों को जो कार्डियक वास्कुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं उनको भी मेंटेन कर पाते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, टाइप्स ऑफ सोडियम मॉडलिंग प्रोफाइल। सोडियम मॉडलिंग कितने प्रकार की होती है? तो सोडियम मॉडलिंग प्रोफाइल जो हैं वो 3 types के हैं। नंबर 1 डिक्रीजिंग प्रोफाइल। दीज प्रोफाइल जो होते हैं, डिक्रीजिंग प्रोफाइल बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, होल नॉट होल इंडिया बल्कि होल वर्ल्ड में, होता क्या है, इट गिव्स पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ हाई डायलेजेट सोडियम कंसंट्रेशन। ये क्या करते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं, मीन्स कि हमारे फेवर, पेशेंट के फेवर में इफेक्ट देते हैं ऑफ हाई डायलेजेट सोडियम कंसंट्रेशन और प्लाज्मा ऑस्मोलिटी एंड प्लाज्मा रिफिलिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रीटमेंट। व्हेन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज बेस्ट टॉलरेटेड, सोडियम एक्यूमुलेशन एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट मे बी प्रिवेंटेड बाय द लोअर डायलेजेट कंसंट्रेशन। दीज प्रोफाइल। अब होता क्या है कि अगर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेंटेन है, हम पहले क्या करते हैं, सोडियम प्रोफाइलिंग में सोडियम को बढ़ा के रखते हैं, जिससे कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है वो और जो पानी है एक्सेसिव वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाए। लेकिन जब हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होल डायलिसिस पर मेंटेन होता है तो लास्ट के आर में हम ऐसा कर सकते हैं कि जब हमारा सोडियम प्रोफाइलिंग कंप्लीट हो जाए तो हम वहीं पर क्या करें, सोडियम की कंसनट्रेशन को कम कर देते हैं। ठीक है, ये जो डिक्रीजिंग प्रोफाइल है, ये कई तरह के ग्राफ को अपने कई तरह के ग्राफ प्रोफाइल को मैनेज करता है या इंक्लूड रखता है, अपने अंदर रखता है। जैसे कि अगर हम बात करें लीनियर स्टेप एंड एक्सपोनेंशियल प्रोफाइल, ये तीनों के तीनों प्रोफाइल हमारे डिक्रीजिंग प्रोफाइल में आते हैं। ठीक है, जिसके बारे में भी पढ़ेंगे। पोस्ट डायलिसिस हाइपोटेंशन एंड अर्ली इंट्रा डायलिटिक हाइपोटेंशन वर बेस्ट attenuated by decreasing steep profile, while linear profile sometimes reduce muscle cramps, okay, and the late intradilatic hypotension. However, these positive effects were not seen in other studies. So, with the help of steep profile we prevent linear profile we prevent muscle cramps and interdilatic hypotension, जो कि डायलिसिस ख़त्म होने के समय या डायलिसिस के एक घंटे बाद होती है। और अगर हम स्टीप की बात करते हैं तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर देते हैं, हाइपोटेंशन को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सारे जितने भी प्रोफाइल हैं, ये हाइपोटेंशन को, मसल क्रैम्प्स वगैरह को, इन्हीं को मेंटेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और ये भी सारे के सारे किस में आते हैं, डिक्रीजिंग प्रोफाइल में, सोडियम प्रोफाइल के डिक्रीजिंग प्रोफाइल में। ये देखिए, ये कुछ पिक्चर हैं, जैसे कि ये लीनियर प्रोफाइल की पिक्चर है। ये ऊपर से हम सोडियम कंसंट्रेशन ज़्यादा रखते हैं और आते आते इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा कम पे लाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम स्ट्रीप प्रोफाइल की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में सोडियम कंसंट्रेशन ज़्यादा है, देन फिर कम है। यही प्रोफाइल हम लोग ड्यूरिंग डायलिसिस मेंटेन करते हैं। इसी प्रोफाइल के तहत, इन्हीं तीनों प्रोफाइल पे डिक्रीजिंग, मोस्टली क्योंकि वर्ल्ड वाइड डिक्रीजिंग प्रोफाइल यूज़ किए जाते हैं, तो मोस्टली हम लोग स्टीप या लीनियर प्रोफाइल यूज़ करते हैं। और ये भी एक्सपोनेंशियल भी यूज़ करते हैं, लेकिन लिटिल बिट देखने को मिलता है ये। तो इस तरीके से हम सोडियम प्रोफाइलिंग को अपनी मशीन में सेट करते हैं और इस सोडियम प्रोफाइलिंग के द्वारा हम पेशेंट को काफ़ी हद तक हाइपोटेंशन एंड अदर कॉजेस से बचा सकते हैं, अदर प्रॉब्लम से, सॉरी। नाउ, पहला प्रोफाइलिंग आ गई हमारी डिक्रीजिंग प्रोफाइल। अब आती है अल्टरनेटिंग प्रोफाइल। दीज प्रोफाइल वर यूज्ड इन द अर्ली 80s। ये जो प्रोफाइल था अल्टरनेटिंग प्रोफाइल, अर्ली 80s में यूज़ किया जाता था विद द एम ऑफ इंक्लूडिंग एंड अल्टरनेटिंग फ्लूइड शिफ्ट अक्रॉस द सेलुलर मेम्ब्रेन टू इम्प्रूव द ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिक टॉक्सिन आउट ऑफ द सेल बाई सॉल्वेंट ड्रग। With the use of these profile reduce the incidence of dialysis equilibrium syndrome। तो हम ये जो अल्टरनेटिव प्रोफाइल है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम को मेंटेन कर सकते हैं, या इस प्रोफाइल, अल्टरनेटिंग प्रोफाइल के थ्रू हम डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम से पेशेंट को बचा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं होल डायलिसिस में जो सोडियम की जो कंसंट्रेशन है वो कैसी रही है। डिक्रीजिंग में क्या रहता है कि ऊपर से गए फिर नीचे जाते जाते सोडियम की कंसंट्रेशन लो हो जाती है, लेकिन यहाँ पर सोडियम की कंसंट्रेशन पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या कहलाती है, अल्टरनेटिंग सोडियम प्रोफाइल। नाउ कम टू द इंक्रीजिंग प्रोफाइल। इसका मुझे कोई पिक्चर नहीं मिला तो मैं नहीं ला पाई हूँ, लेकिन हाँ मैं बता देती हूँ। दीज प्रोफाइल आर लेस कॉमनली यूज़। ये जो प्रोफाइल है इंक्रीजिंग प्रोफाइल बहुत कम यूज़ होता है, और ये प्रोफाइल यूज़ होता है टू प्रिजर्व प्लाज्मा वॉल्यूम ड्यूरिंग लास्ट पीरियड ऑफ हीमोडायलिसिस। ऑल्सो ये क्या करता है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज स्टिल हाई ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस। This profile prevent reduce the incidence of muscle cramps when reduce sodium removal in the last hours of dialysis। तो जो इंक्रीजिंग प्रोफाइल है इस प्रोफाइल में हम क्या करते हैं, देखिए डिक्रीजिंग प्रोफाइल में हम लोग क्या कर रहे हैं कि शुरू से सोडियम को बढ़ा रहे हैं और उसके बाद लो कर रहे हैं। ठीक है, ये डिक्रीजिंग प्रोफाइल अभी मैंने बताया आपको तीन पार्ट्स में। अल्टरनेटिंग प्रोफाइल में हम क्या कर रहे हैं, सोडियम कंसंट्रेशन होल डायलिसिस पे सेम ही रहने दे रहे हैं, लिटिल बिट चेंज हो रहे हैं सोडियम के कंसंट्रेशन में। अगर हम आ जाते हैं इंक्रीजिंग प्रोफाइल पे, तो इंक्रीजिंग प्रोफाइल में क्या हो रहा है कि जो लास्ट के आर हैं उनमें क्या रह रहा है, सोडियम जो है थोड़ा बढ़ के आ रहा है, जिसकी वजह से जो हाइपोटेंशन है और मसल्स क्रैम्प्स हैं उनको हम प्रिवेंट कर पा रहे हैं। लेकिन ये जो प्रोफाइल है ये बहुत ही कम यूज़ होता है। सो अगर मैं बात करूं तो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोफाइल मैं जो प्रिजर्व कर सकते हैं हम लोग, प्लाज्मा वॉल्यूम को प्रिजर्व कर सकते हैं। लास्ट आर जो होता है ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस का या हीमोडायलिसिस का, साथ के साथ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी जो होगा स्टिल हाई ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस। अब इसमें अगर हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका लास्ट आर में बीपी जाता है और स्टार्टिंग में सही रहता है, तो ऐसे पेशेंटों के लिए ये जो इंक्रीजिंग प्रोफाइल है काफ़ी हेल्पफुल होता है। इंक्रीजिंग एंड अल्टरनेटिंग प्रोफाइल आर नॉट वर्क इन फ्रेजिनियस मेडिकल केयर मशीन। अगर हम चाहते हैं कि हम फ्रेजिनियस की मशीन पे इंक्रीजिंग या अल्टरनेटिंग प्रोफाइल को लगाएं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इंक्रीजिंग और अल्टरनेटिव प्रोफाइल अदर मशीनों पे है लेकिन इन पे फ्रेजिनियस की मशीन पे स्पेशली नहीं है। वहाँ पर हम केवल डिक्रीजिंग प्रोफाइल को ही लगा सकते हैं फ्रेजिनियस की मशीन पे। डिसएडवांटेज ऑफ सोडियम प्रोफाइल, डिसएडवांटेज क्या है सोडियम प्रोफाइल के, तो इस प्रोफाइल के डिसएडवांटेज ये हैं कि प्रोफाइलिंग इज नॉट कंडक्टेड प्रॉपर्ली, देन सोडियम एक्यूमुलेशन क्रिएट एंड एक्यूमुलेटेड। देखो जब हम सोडियम को बॉडी में बढ़ाते हैं तो मैनी टाइम्स जो पेशेंट है वो क्या करता है, थ्रस्ट फील करेगा, प्यास की फील होती है, जिससे अब वो ज़्यादा पानी पिएगा तो क्या होगा, वेट गेन होगा, वेट गेन होगा तो हाइपरटेंशन भी कॉज होगा। ठीक है, हाइपरटेंशन भी होगा पेशेंट को अगर पेशेंट ज़्यादा पानी पिएगा। साथ में क्या होगा कि सोडियम एक्यूमुलेशन हो जाती, एक्यूमुलेशन जो होती है वो क्या करती है, में रिड्यूस इंटरडायलिटिक मॉर्बिडिटी रिपोर्टेड इन शॉर्ट टर्म सोडियम प्रोफाइलिंग स्टडी। However, sodium profiling has potential benefits, provide that the sodium balance is carefully controlled. मेन जो इफेक्ट है, अगर हम बात करते हैं डिसएडवांटेज का, कि सोडियम प्रोफाइलिंग के थ्रू क्या हो जाता है कि पेशेंट को थ्रस्ट फील होती है और एक्यूमुलेशन हो जाता है सोडियम का, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, और प्यास लगेगी तो पेशेंट पानी पिएगा, जो कि ओवरलोड फ्लूइड का कारण भी बनता है। बेनिफिट्स ऑफ सोडियम प्रोफाइल, सोडियम प्रोफाइलिंग के बेनिफिट्स आपको खुद ही पता चल गए होंगे। हाइपरटेंशन को मैनेज करता है, डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, मसल्स क्रैम्प्स को मेंटेन करता है। सो रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, वास्कुलर इंस्टेबिलिटी, ऑल्सो मसल्स क्रैम्प्स। एग्जाम्पल, फर्स्ट पीरियड ऑफ डायलिसिस सोडियम कंसंट्रेशन इज 160 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर एंड सेकेंड इक्वल पीरियड 120 मिली इक्विवेलेंट पीरियड। फिर सो विद द हेल्प ऑफ दिस डिक्रीजिंग प्रोफाइल जो सोडियम प्रोफाइलिंग है, हम लोग क्या करते हैं सोडियम प्रोफाइलिंग में पेशेंट के जो मसल्स क्रैम्प्स हैं, वास्कुलर इंस्टेबिलिटी है एंड हाइपोटेंशन एंड डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम को भी मेंटेन कर पाते हैं। द कॉम्बिनेशन यूज ऑफ सोडियम प्रोफाइल एंड यूएफ प्रोफाइल में बेटर प्रिजर्व ब्लड वॉल्यूम, कार्डियक एंड फंक्शन एंड रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ हाइपोटेंसिव एपिसोड। लिटिल बिट अगर हम पढ़ते हैं यूएफ प्रोफाइल की, व्हाट इज द यूएफ प्रोफाइल, तो इट इज़ यूजली designed to extract the major part of the total UF volume in the first part of session. So UF profile की बात करते हैं तो ये usually जो है ये डिज़ाइन किया जाता है major part of the total, मतलब यहाँ पर क्या रहेगा UF total UF volume पे फोकस किया जाता है, और ये हमेशा first part of the session डायलिसिस के फर्स्ट जैसे ही डायलिसिस शुरू करते हैं उसमें ही इसको लगाया जाता है। when the patient is over hydrated, जब पेशेंट बहुत ज़्यादा पानी के साथ आता है हमारे पास, टू इंड्यूस एलिवेशन ऑफ प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर एंड टू प्रोवाइड ग्रेटर डिवाइविंग फोर्स वास्कुलर रिफलिंग एंड दस ए बेटर गुड वॉल्यूम प्रिजर्वेशन। इससे क्या होता है, हम इसके थ्रू यूएफ प्रोफाइल के थ्रू हम क्या करते हैं कि अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा पानी पी के आया होता है तो बहुत ज़्यादा पानी को भी हम कुछ ही समय में निकाल देते हैं। और ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाला प्रोसीजर है यूएफ प्रोफाइल, जैसे ही डायलिसिस शुरू करेंगे तो डायलिसिस शुरू होते ही इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि कुछ ही समय में ज़्यादा से ज़्यादा पानी को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी को भी मेंटेन रखेंगे जिससे पेशेंट की कंडीशन भी स्टेबल रहेगी। स्टेप वाइज और ग्रेजुअल डिक्रीजिंग यूएफ प्रोफाइल हैव बीन स्टडी। ज़्यादातर हम लोग स्टेप वाइज और डिक्रीजिंग प्रोफाइल को यूएफ प्रोफाइल को ही हम लोग लाते हैं यूएफ प्रोफाइलिंग के लिए। ए कंबाइन ऑफ यूएफ एंड सोडियम प्रोफाइल वाज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव। अगर यूएफ प्रोफाइल को सोडियम प्रोफाइल को कंबाइन में यूज़ करते हैं तो ये देखा गया है कि हम कार्डियोवास्कुलर स्टेबिलिटी को भी मेंटेन कर पा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग डायलेजेट सोडियम कंसंट्रेशन टू एनहांस प्लाज्मा रिफिलिंग ड्यूरिंग पीरियड ऑफ यूएफ। क्योंकि जब सोडियम प्रोफाइलिंग में क्या होगा, हम लोग ज़्यादा सोडियम को बढ़ा देते हैं और यूएफ प्रोफाइलिंग भी अगर यूज़ करते हैं जहाँ हम पानी ज़्यादा निकाल रहे हैं तो सोडियम इंक्रीज होने की वजह से वास्कुलर स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन रहती हैं, ठीक है। हाइपोटेंशन में पेशेंट के जाने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। ये वो डायग्राम है यूएफ प्रोफाइल का जो आप देख सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द कंक्लूजन। व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ सोडियम एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोफाइलिंग का मैंने यहाँ पर ज़्यादा नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंक्लूजन देखती हूँ सोडियम और अल्ट्राफिल्ट्रेशन का। तो डायलिसिस सोडियम एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोफाइलिंग सिग्निफिकेंट रिड्यूस हीमोडायलिसिस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। मेनली जो सोडियम और अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोफाइल है, मेनली इनका उद्देश्य क्या है कि ये जो हीमोडायलिसिस में हीमोडायलिसिस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन मेनली हाइपोटेंशन वगैरह जो होते हैं उनको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। प्रोफाइल रिड्यूस द स्लोप ऑफ द ब्लड वॉल्यूम कर्व ड्यूरिंग डायलिसिस, ऑल्सो प्रिवेंट इंट्राडायलेटिक हाइपोटेंशन ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस। कंक्लूजन क्या है कि चाहे हम यूएफ प्रोफाइल यूज़ करें चाहे सोडियम प्रोफाइल यूज़ करें, उसके द्वारा हम जो वास्कुलर स्टेबिलिटी और अदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं ज़्यादा पानी निकालने पे पेशेंट के, उसको हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो ये था पूरा सोडियम प्रोफाइलिंग का होल वीडियो। अगर अच्छा लगे तो बताइए और अगर कहीं पे भी कुछ भी गलती लगे तो भी बताइएगा। थैंक यू।